अगली खबर भी भोपाल से ही, जहां बिजली विभाग के इंजीनियर्स का विरोध किया गया है। आज से कार्य बहिष्कार पर इंजीनियर रहेंगे। बिजली विभाग के इंजीनियर्स विरोध जताएंगे। मध्य क्षेत्र कंपनी ने अपने इंजीनियर्स का वेतन रोक दिया है और इसीलिए ये विरोध प्रकट किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इंजीनियर इस दौरान अपना मोबाइल फोन भी बंद रखेंगे। बेमियादी कार्य बहिष्कार का ऐलान बिजली विभाग के इंजीनियर ने कर दिया है और मध्य क्षेत्र कंपनी ने अपने इंजीनियर्स का वेतन रोक दिया है, जिसके चलते आक्रोशित इंजीनियर जो कि कार्य का बहिष्कार करेंगे, विरोध प्रकट करेंगे। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता आकर्ष शर्मा का हम रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, आज से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, इंजीनियर्स जो है तमाम वो कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं, विरोध प्रकट करेंगे, लेकिन इसे समझना चाहेंगे आपसे कि क्यों आखिर नाराज है ये इंजीनियर और क्यों विरोध करेंगे। मध्य क्षेत्र की यदि मैं बात करूं, जया करीब 800 इंजीनियर हैं जो कार्यरत हैं और उसमें सर्वे कराया जा रहा था बिजली विभाग के द्वारा। सर्वे पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ है और सर्वे नहीं होने पर इनकी जो सैलरी है वो रोक दी गई है। इनका कहना है कि सर्वे का काम लगातार चलना चाहिए, लेकिन जो उनकी सैलरी है, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी समय पर देना चाहिए, लेकिन सैलरी इन लोगों की, तमाम लोगों की रोक दी गई है। और यही कारण है कि इन्होंने करीब 3 बार अपने आला अधिकारियों से बात की, उनसे चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और यही कारण है कि आखिरकार जो तमाम इंजीनियर्स हैं मध्य क्षेत्र के, उन्हें आखिरकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला करना पड़ा। आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं और साथ में यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है जब तक वो वापस काम पर नहीं लौटेंगे। और दूसरी तरफ उन तमाम 800 इंजीनियर्स ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यदि अब किसी भी तरीके से बिजली की समस्या होती है, चाहे अन्य चीज़ों के फॉल्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आम लोगों को बिजली सप्लाई में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य क्षेत्र के तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो काम पर नहीं आएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली प्रभावित जरूर हो सकती है। ऐसे में जल्द है कि बिजली विभाग जल्द से जल्द तमाम इंजीनियरों से बात करे और एक कोई बीच का रास्ता निकाले, जिससे आम लोगों को परेशानी भी ना हो और जो बिजली विभाग के जो इंजीनियर हैं उनकी भी मांग पूरी हो सके। कुल मिलाकर आकर्ष, हड़ताल किसी भी वर्ग की हो, खामियाजा आम जनता को ही इसका भुगतना पड़ता है। और अब ऐसे में जब बिजली विभाग के इंजीनियर्स बेमियादी हड़ताल पर हैं, आक्रोशित हैं, तो इसका सीधा असर भी बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इंजीनियर्स की डिमांड कब पूरी होगी। जो वेतन रोका गया है उसे वापस से शुरू कब किया जाएगा और इस हड़ताल का असर कितना होता है।